See, when I started playing the game, it was about winning hearts because मतलब जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना दिन रात आप 70 days मेहनत करते हैं तो end में trophy भी चाहिए होती है. I think बहुत लोग कह रहे हैं अगर पायल वो show भी नहीं होती तो show ही नहीं बनता. जितना भी मैंने देखा इंस्टाग्राम पर फैंस जनता का प्यार आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड काइंड एंड हैप्पी एंड थैंक्सफुल टू गॉड. उन्होंने मेरी गेम को अप्रिशिएट किया. आपने बहुत अच्छी तरह से गेम खेला मैम, जैसे कि आपने सबको रिपर्टल दिया, आपने सबको पायल जी आपसे जानना चाहूंगा विनिंग हार्ट्स वाज मोर इंपॉर्टेंट और विनिंग ट्रॉफीज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. सी व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग द गेम इट वाज अबाउट विनिंग हार्ट्स बिकॉज मेरी एक छवि है जहाँ पे लोग शायद मुझे समझ नहीं पाते थे तो मैं चाहती थी कि शो के थ्रू तो मुझे समझ पाए. सो विनिंग हार्ट्स वॉज द फर्स्ट गो. मतलब जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना दिन रात आप 70 डेज मेहनत करते हैं तो एंड में ट्रॉफी भी चाहिए होती है. डू यू बिलीव अगर आप नहीं जीतते तो मुनावर वाज द परफेक्ट कैंडिडेट टू विन दैट लॉकअप शो. अगर आप वो शो के हिस्सा नहीं रहते तो मुनावर वाज द परफेक्ट कैंडिडेट बिकॉज फैंस वर टेलिंग यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट. तो अगर आपके हिसाब से कौन वो शो जीतता अगर आप नहीं जीत. आई थिंक बहुत लोग कह रहे हैं अगर पायल वो शो भी नहीं होती तो शो ही नहीं बनता. तो लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड दैट आज की तारीख में मुनावर जी शो जीत गए एंड आप लोग मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर आए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आप देखेंगे भी तो संग्राम जी जब आए थे शो में मैं संग्राम जी को पूछ रही थी आर यू ओके आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ मी, आपको एम्बैरेसमेंट तो नहीं हो रही है. बिकॉज क्या होता है जब आप घर के अंदर होते हो आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं और जो आपके कैदीज होते हैं वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वो आपका अच्छे को अच्छा नहीं बोलते तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ. बट मेरा अंदर का कन्विक्शन पावर बहुत स्ट्रांग है. अगर मुझे वो चीज़ सही लगती है अंदर से तो मैं अकेले खड़ी रहती हूँ. पायल जी आपसे जानना चाहूंगा आजमा ने पायल किसकी सुनो पायल जी और आपका अंदर फर्स्ट होगा बहुत अच्छा ट्यूनिंग देखा हमने आप दोनों के बीच में मतलब क्योंकि अगर कुछ हुआ पायल जी लास्ट लास्ट अच्छी बात है आपको पायल की ट्यूनिंग अच्छी लगी. पायल जी एक लास्ट सवाल आप क्या कहना चाहेंगे मुनावर और आप दोनों बहुत ही अच्छा टीम खेला आप दोनों ने.